नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स विन प्रेडिक्शन में। दोस्तों हम कवर करने वाले लेजेंड्स लीग T20 का मैच नंबर 12, जो कि दोस्तों खेला जाएगा कोणार्क सूर्यास्त उड़ीसा वर्सेस सदर्न सुपरस्टार्स के बीच। डी प्लेयर्स करेंगे इसमें फुल स्टार्स इनफो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले मैचेस की वीडियो टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप हमें अपने टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। जाकर अपने टेलीग्राम पर आप सर्च करें @realFWP, अपने टेलीग्राम पर आपने यही सर्च करना। जैसे ही सर्च करेंगे आपको फ्रेंडशिप एंड प्रेडिक्शन का चैनल दिख जाएगा। 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा रियल चैनल है और उस चैनल से आपने आके जुड़ जाना है। बात करें दोस्तों मैच की, मैच अब से कुछ देर बाद ही शाम में 7 बजे से दोस्तों गेम शुरू होगा और दोस्तों मैच होने वाला है लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम बेसू सूरत के अंदर मैच खेला जाएगा। बात करें दोस्तों मेरी पिच की, तो दोस्तों कल यहाँ पर जो मैच खेला गया था लेजेंड लीग का, एकदम फ्लैट ट्रैक हमें देखने को मिला। बैटिंग के लिए विकेट बहुत अच्छा था, बाउंड्रीज भी एकदम छोटी छोटी थी और यहाँ पर अच्छे खासे रन बन रहे थे। लेकिन शुरुआत में जब मार्टिन गप्टिल वगैरह खेल रहे थे ना, तो शुरुआत में पेसर्स को हेल्प थी, क्योंकि पिछले 3-4 से यहाँ पे बारिश हो रही थी तो विकेट के अंदर अच्छा खासा मॉइस्चर था, तो वहां पे पेसर्स को हेल्प जरूर मिल रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैच होता गया, बैटिंग के लिए विकेट और अच्छा होता गया और इस वेन्यू को दोस्तों इतिहास कहता है, यहाँ पे अच्छे खासे रन बनते हैं। अब दोस्तों पिछले 3-4 से लगातार बारिश हो रही थी, तो कल पहला मैच यहाँ पे हुआ था वो भी पूरा नहीं हो पाया था। कल जो मैच हुआ था वो 15-15 ओवर का गेम हुआ था, लेकिन आज मुझे पूरे पूरे 20-20 ओवर के गेम होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि आज यहाँ पे सुबह से मौसम अच्छा दिखाई दे रहा है। इस ग्राउंड के अंदर टोटल अब तक लेजेंड्स लीग के 5 मैचेस हुए हैं। एक मैच जो कल हुआ इस सीजन का पहला मैच था, उससे पहले 4 मैचेस दोस्तों इस ग्राउंड पे लास्ट सीजन खेले गए थे। 5 मैचेस दोस्तों इस ग्राउंड पे जो हुए उसमें से 3 मैचेस बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है, 2 मैचेस बैटिंग सेकंड वाली टीम जीती है। इस ग्राउंड पे दोस्तों 207 का है बैटिंग फर्स्ट का एवरेज स्कोर, मतलब यहाँ पे अच्छे खासे रन बनते हैं। हाईएस्ट टोटल दोस्तों इस ग्राउंड का जो है वो है 253 रन, जो कि लास्ट ईयर हुआ था। लोएस्ट टोटल है जो कि मणिपाल टाइगर्स ने कल ही किया है 152 रन। जो हाईएस्ट टोटल है वो है टोम हैदराबाद के नाम, जो लास्ट ईयर हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे लोएस्ट टोटल मणिपाल के नाम कल ही हुआ, उससे पहले यहाँ का लोएस्ट टोटल जो हुआ करता था वो 177 रन हुआ था, जो कि इंडिया कैपिटल्स ने लास्ट ईयर की थी। मतलब यहाँ पे रन बनते हैं, लोएस्ट टोटल भी बहुत ज़्यादा लो नहीं है, वो भी मणिपाल टाइगर्स की टीम ने जो स्कोर किया था 15 ओवर के अंदर किया था, ठीक है, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ। और कल 15 ओवर में 200 प्लस स्कोर हो गया, 190 प्लस हो गया था 15 ओवर पे। मतलब आप समझ सकते हैं 20 ओवर का गेम होगा तो ये 253 वाला भी यहाँ पे टूट सकता है, ऐसा विकेट है यहाँ पे। अब कल के मैच में भी 190 प्लस स्कोर हुआ, जो यहाँ पे 5 मैच खेले गए, 2 मैच में 170 से 189 भी, 3 मैच में 190 प्लस बैटिंग करने वाली टीम ने किया है। यहाँ पे आप आराम से 180-200 तो यहाँ पे इजीली है, कोई टीम अच्छा खेलती है 200 क्रॉस हो जाएगा। बात करते हैं पहले दोस्तों KSO की, यहाँ पे कोणार्क सूर्यास्त उड़ीसा की। 3 मैच इनके हुए टूर्नामेंट में, 1 मैच टीम जीती है, 2 मैच इनके अबाउंडेड हो गए जो कि पिछले 2 मैच थे इनके। इस टीम के लिए आपको ओपन करते हुए देखेंगे रिचर्ड लेवी, इनके साथ ओपन करने आएंगे माथ्यू राइडी। बात करें दोस्तों लेवी के, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, प्लस कीपिंग भी करा सकते हैं, जो एक ही मैच इस टीम ने खेला उसमें 6 रन किए। रिसेंट परफॉर्मेंस इनका उतना कुछ खास नहीं रहा, लास्ट के 5 गेम में सिर्फ 1 ही अच्छा स्कोर है, लेकिन यहाँ पे बैटिंग के लिए विकेट अच्छा है, बैटिंग विकेट के अच्छे प्लेयर हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। इनके साथ ओपन करने आएंगे माथ्यू राइडू, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 8 रन की, रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक रहा है और अच्छे हिटर हैं, और ऐसे विकेट में आप इनको जरूर पिक कर सकते हैं और थोड़े से एक्टिव प्लेयर हैं। नंबर 3 पे आएंगे केविन ओब्रायन, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 6 किए, रिसेंट में कुछ खास नहीं किया, तो आप इनको छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते। दिलशान मुनावी रसीबीसी की भी एक अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि नंबर 4 के अंदर बैटिंग करेंगे प्लस कुछ और की बॉलिंग कर सकते हैं। जो एकमात्र गेम खेला वहाँ पर इन्होंने 3 ओवर की बॉलिंग कराई थी, 2 विकेट निकाले थे, प्लस 11 रन किए थे। रिसेंट में लिस्टे के मैचेस खेले थे, वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस बढ़िया था, तो अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, सीबीसी के अच्छे ऑप्शन रहेंगे। रॉस टेलर की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन है, जो यहाँ पे 14 रन बनाए थे, वहाँ पे विकेट थोड़ा सा मुश्किल था। ये मैच उन्होंने खेला था बरकतुल्ला स्टेडियम जोधपुर में, वहाँ पे ये एक ही गेम खेले थे, 14 रन किए थे, उसके अलावा रिसेंट पहुंच कुछ खास नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इरफान पठान ने जो पहला गेम हुआ उसमें 18 रन किए थे, 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी, लेकिन यहाँ पे 2-3 ओवर बॉलिंग से डाल सकते हैं, प्लस बैटिंग भी नंबर 6 पे करेंगे तो जरूर रख लीजिएगा। और यूसुफ पठान थोड़ा सा नीचे आए थे, 3 रन किया था, लेकिन यूसुफ कभी भी ऊपर आ सकते हैं हिटिंग के लिए, और ऐसे विकेट के तो एकदम धांसू प्लेयर हैं, अच्छे हिटर हैं, अपनी टीम में जरूर कवर करें। राजेश बिश्नोई लास्ट गेम में सब्स्टिट्यूट में थे, बतौर इंपैक्ट प्लेयर आए थे, सिर्फ 3 रन बनाए, कुछ खास पिक नहीं रहेंगे। नवीन स्टुअर्ट ने 4 ओवर की बॉलिंग कराई थी, आप ट्राई कर सकते हो, हालांकि ओवर इनकी कभी भी कट सकते हैं। विनय कुमार 4 ओवर पक्का डालेंगे, लास्ट गेम में 2 विकेट लेके आ रहे हैं और लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, गति भी ठीक ठाक इनके पास है। सहबाज नदीम ने भी लास्ट गेम में 2 विकेट निकाले थे, रिसेंटली लिस्ट के मैचेस खेले थे। बेन लपलिंग की बात करें, जो कि राइट आर्म मीडियम पेस है, लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला था। यदि हम बात करें दोस्तों इनके मेन बॉलर्स की, कौन कितना ओवर डाल सकता है, उसमें सहबाज से आप 4 ओवर देखोगे, बेन लपलिंग से भी 4 ओवर देखेंगे, तीसरा दोस्तों से विनेश भी आप 4 ओवर देखेंगे, नवीन भी ठीक ठाक बॉलिंग कराएंगे, तो 4 बॉलर हो गए। पांचवें बॉलर्स के दोस्तों जो ओवर हैं वो यहाँ से दिलशान मुनावीर और इरफान पठान के बीच डिवाइड होंगे।
लास्ट गेम में स्पिनर्स को ज्यादा असिस्टेंस थी तो यहाँ पे दिलशान ने 3 ओवर डाल दिए, लेकिन कभी भी हो सकता है दिलशान 2 ओवर डाल जाए, इरफान यहाँ पे 2 डाल जाए, या फिर 3 भी डाल सकते हैं यदि नवीन का एकातोर कर जाएगा तो, मतलब इरफान भी ठीक ठाक बॉलिंग कर सकते हैं। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ में आपको विनय कुमार और एसएमएल लफलिंग डालते हुए नजर आएंगे और इनके कुछ बेंच में प्लेयर्स हैं। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सदर्न सुपरस्टार्स की, लेकिन जो मेरा फाइनल टीम होगा टॉस के बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पहले अकाउंट में लिंक है, आपने जुड़ जाना है। 20,000 से ज्यादा दोस्तों ऑलरेडी वहाँ पे टेलीग्राम पहले से जुड़े हुए हैं तो आप भी हमें ज्वाइन कर लें। अब दोस्तों सदर्न सुपरस्टार्स के लिए बहुत बढ़िया मैचेस खेले हैं, 4 मैचेस खेले हैं, 4 के चारों मैचेस टीम जीत के आ रही, और पिछले 2-3 मैच से इस टीम के जो 2 बड़े प्लेयर हैं स्पेशली दिनेश कार्तिक वो नहीं खेल रहे हैं और यहाँ पे नहीं खेल रहे हैं पार्थिव पटेल, लेकिन आज के मैच में हो सकता है आपको दोनों खेलते हुए दिखे, क्योंकि कल का मैच जब इस टीम का हुआ था मैंने क्लियर वीडियो में बोल दिया था दिनेश कार्तिक भी नहीं खेलेंगे, पार्थिव पटेल नहीं खेलेंगे, क्योंकि कल इंडिया और बांग्लादेश टेस्ट का 5वां दिन था, दोनों कमेंट्री कर रहे थे तो कल शाम में तो पॉसिबल ही नहीं था गुजरात पहुंचना, लेकिन हो सकता है आज के मैच में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो, आज हो सकता है कल मैच समाप्त हो गया था दोपहर में ही तो कल तक पहुंच गए हूँ, आज खेलने के लिए रेडी हूँ, कल रात में पहुंच गए मैं, फिर आज दिन में पहुंच के भी खेल सकते हैं, तो ये दोनों की वापसी हो सकती है, देखना पड़ेगा अवेलेबल है कि नहीं, बाकी तो सेम टीम रहेगा। और बात करें यदि हम यहाँ पे एसएस की तो इस टीम के लिए आपको ओपन करते देखेंगे मार्टिन कैप्टन के साथ ओपन करने आएंगे श्रीवत्स गोस्वामी, और यदि पार्थिव पटेल आ जाएंगे तो फिर वही ओपनिंग करेंगे, गोस्वामी 3 पे आ जाएंगे। बाकी दोस्तों कप्टन ने अच्छा किया है, लास्ट गेम में 68 किया, उसके पहले 14, 36, 22 चारों गेम में ठीक ही खेले हैं, एक गेम में सिवाय 14 को आप छोड़ दे तो ठीक ही स्कोर है, और रिसेंट पहुंच भी इनका बढ़िया रहा था, तो सीबीसी के भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे बैटिंग विकेट पे, श्रीवत्स गोस्वामी अच्छा कर रहे हैं, और यदि कीपिंग करते हैं तो फिर भी सीबीसी के अच्छे ऑप्शन है, बाकी जरूर कवर करिएगा। 18, 48, 17 3 मैच के अंदर इनकी पहुंच रही थी। हैमिल्टन मसकजदा की बात करें जो राइट हैंड बैट्समैन है, 1, 41, 20 इन्होंने किया है 3 मैच के अंदर, लास्ट गेम में फ्लॉप रहे लेकिन बैटिंग विकेट के अच्छे प्लेयर हैं, स्पेशली यदि पार्थिव पटेल वगैरह नहीं खेलेंगे तो फिर नंबर 3 ही खेलेंगे, लेकिन यदि पीपी आ जाएंगे तो फिर इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे चला जाएगा, और फिर डिसलो वगैरह का बैटिंग फिर और नीचे चला जाएगा, डीके भी आ जाएंगे तो नंबर 5 पे आएंगे, मतलब डिपेंड करता है कौन आता है, यदि सेम लाइनअप रहेगा तो फिर हैमिल्टन मक्स ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में चतुरंगा डिसलोवा भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि यदि नंबर 4-5 पे बैटिंग करेंगे तो आप इनसे बॉलिंग से कभी भी 2-3 ओवर देख सकते हैं। लास्ट गेम में 26 की बॉलिंग नहीं कराई थी, उसके पहले 2 ओवर की बॉलिंग करा रहे थे, पहले गेम में 4 ओवर डाले थे। चिराग गांधी 2 ही अच्छे स्कोर हैं, 36 और 38 के, कभी बैटिंग आता है कभी नहीं आता है। पवन नेगी लास्ट गेम में से सिर्फ एक ही बॉल डालाएगी जब इनको एक विकेट मिला था, बैटिंग से 8 रन की थी, उसके पहले 4 ओवर लगातार डाल रहे थे, एक कारण भी हो सकता है लास्ट गेम में सिर्फ 15 ओवर का मैच था और सामने वाली टीम एकदम लुढ़क गई थी मणिपाल टाइगर्स, तो इस बार ज्यादा बॉलिंग नहीं कराई गई, लेकिन आमतौर पर आप इनसे 4 ओवर जरूर देखेंगे प्लस नंबर 5 से बैटिंग करेंगे तो सीबीसी के अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट गया है, 3 विकेट, 38 रन, 1 विकेट, 19 रन, 1 विकेट और लास्ट गेम 1 विकेट निकाला। जसल कैरिया भी लास्ट गेम में 2 विकेट, उसके पहले 1-2 तो विकेट टेकर हैं, आपकी टीम ये भी होनी चाहिए। इल्टन चुगमरा ने बताओ फिसरा के 20 रन किए थे। नीचे देखेंगे सुबोध भाटी 2-3 ओवर डाल रहे हैं, ग्रैंड लीग के अंदर रोटेट कर सकते हैं। हामिद हसन के पास अच्छा पेस है और अभी भी मतलब 1-2 साल पहले तक ही अफगानिस्तान के लिए खेल रहे थे। लास्ट गेम में 3 विकेट, उसके पहले 1 विकेट, 3 से 4 ओवर डालेंगे। मोनू लास्ट गेम में पहली बार मतलब बॉलिंग कराई थी, 2 विकेट निकाले, पहला गेम खेले थे तो बॉलिंग ही नहीं कराई थी। लास्ट टाइम में खेलते 2021 में सईद मुश्ताक अली के मैचेस इंडिया के अंदर, उसके बाद एक क्रिकेट खेले नहीं है, लेकिन जब 2021 में मुश्ताक अली के मैचेस खेले थे आज से 3 साल पहले, वहां पे 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, ऐसी खतरनाक पहुंच दिखाई थी, क्या बताएं, झारखंड से आते हैं, झारखंड के लिए इन्होंने पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। अब्दुल रजाक लास्ट गेम बताओ सब्सिट्यूट से आए थे, इंपैक्ट प्लेयर जिसने 2 विकेट लेके इंपैक्ट डाला, उसके पहले 1-1-2 अच्छे परफॉर्मेंस है। यदि मैं इनके मेन बॉलर्स की बात करें तो अब जो रजाक से आप ठीक ठाक ओवर देखेंगे, मोनू कुमार से भी अच्छा खासा ओवर देखेंगे, तीसरा दोस्तों वासिल अहमद से ओवर देखेंगे, चौथा दोस्तों यहाँ से हो गए चौथे 3 बॉलर मैंने आपको बताया, चौथे बॉलर हो गए दोस्तों जसल कारिया, 5 हो गए पवन नेगी, इनमें से किसी को ओवर कटेंगे स्पेशली जसल कारिया की, फिर किसी के भी तो 6वें बॉलर रहेंगे टीम के सुबोध भाटी। हालांकि पास टीम का एक पास और ऑप्शन है, ऊपर है चतुरंगा डिसिल्वा, मतलब 7 बॉलिंग ऑप्शन है, टीम डिपेंड करती है पिच कैसे, यदि स्पिन फ्रेंडली विकेट है तो फिर वहाँ पे पवन नेगी, चतुरंगा डिसिल्वा, जसल कारिया ज्यादा ओवर करेंगे, पेसर स्कोर कम होंगे, यदि पेसर्स के लिए अच्छा मुफ्त विकेट है तो नीचे यहाँ पे 3 पेसर भी देखना, ये ज्यादा ओवर करेंगे फिर स्पिन रिकॉर्ड कट हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अब्दुल रजाक और पवन नेगी ये ऐसे बॉलर हैं जिनके जल्दी ओवर नहीं करेंगे। बहरहाल बात करते हैं इस मैच की टीम की, बेंच में कुछ प्लेयर हैं, देखना पड़ेगा ये तीनों प्लेयर पार्थिव पटेल, डीके और जाधव वापस आते हैं कि नहीं, बात करते हैं इस मैच की टीम की, लेकिन जो मेरी फाइनल टीम होगी टॉस के बाद मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। ऑलरेडी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे 20,000 से ज्यादा जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन पहले अकाउंट में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर रियल FWP सर्च करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे। बात करते हैं दोस्तों इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपिंग में रायडू और गोस्वामी के साथ जा रहा हूँ, हालांकि दोस्तों यदि डीके खेलते हैं तो बैट फर्स्ट उनको भी ट्राई कर सकते हो, लास्ट गेम खेले नहीं थे, लेबी भी ठीक ठाक पिक रहेंगे। बात करें दोस्तों बैटिंग सिस्टम में, गप्टिल को अपनी टीम में रखा, यूसुफ पठान बैटिंग विकेट के बहुत ही शानदार प्लेयर है तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केदार जाधव खेलेंगे तो ट्राई कर लीजिएगा, हैमिल्टन मसकजदा
मैं टॉस के बाद इनको ले सकता हूँ, हालांकि लास्ट गेम में फ्लॉप जरूर होते, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। स्पेशली यदि पार्थिव पटेल नहीं आएंगे तो फिर नंबर 3 पे ही आएंगे, और जब 3 पे आएंगे तो फिर मैं रख लूंगा इनको। और बात करें दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, यहाँ से चारों ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। नेगी, इरफान पठान, जैसल गैरी और मुनावीर, इन चारों को कवर करिए। चारों आपके लिए मस्ट टॉपिक हैं, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी आपको पॉइंट देंगे। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है पवन नेगी का, जो कि लास्ट गेम में थोड़ा 15 ओवर का गेम था, इस वजह से शायद कम बॉलिंग करें, सिर्फ एक ही बॉल डाली, नहीं तो आमतौर पे अपने 4 ओवर पूरे करते हैं और प्लस नंबर 4 पे बैटिंग भी करते हैं 4-5 पे। तो ये बहुत सेफ पिक है आपके लिए। इरफान पठान एक ही गेम इस टीम का कंप्लीट हुआ, जहाँ पे उन्हें एक ओवर डाला था, उसके बाद इस टीम के मैचेस लगातार अबाउंडेड होते चले गए, लेकिन ये भी बढ़िया ऑलराउंडर है। जैसल कालिया 4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, मुनावीरा कुछ ओवर की बॉलिंग प्लस मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग, तो मेरे हिसाब से चारों इंपॉर्टेंट है। चतुरंगा डिसलवा ज्यादा बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, लेकिन आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, 87% सिलेक्शन है। बॉलिंग सेक्शन से अब्दुल रजाक, विनय कुमार, दो बॉलर्स को भूल के भी मत छोड़िएगा। तीसरा है हामिद हसन, उसको भी आपने नहीं छोड़ना। दो मैच के अंदर इतने पॉइंट दिए इन्होंने, लास्ट गेम में 3 विकेट ले गए और बहुत अच्छी बॉलिंग कराते। इनका गति देखेंगे ना तो 135 के आसपास 30+ जाता है, तो इस गति से अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर किसी ने बॉलिंग नहीं कराई, कमेंटेटर खुद बोल रहे थे। हालांकि यहाँ पे वो स्पीड दिखती नहीं हमको, लेकिन अच्छी गति है जो मैंने कमेंट्री करते हुए सुना। मोनू कुमार को आप ग्रांड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हो, लास्ट गेम में 2 विकेट निकाले थे। बात करते हैं दोस्तों हम सीबीसी और टीम की फाइनल प्रीव्यू की। दोस्तों हमारी टीम के कैप्टन रहेंगे पवन नेगी और वाइस कैप्टन है दिलशान मुनावीरा। जिनको थोड़ा रिस्क लेना है तो सीबीसी रिवर्स कर सकते हैं, एक दो अच्छे ऑप्शन और हैं जिन्हें आप बना सकते हो। जैसे इस बैटिंग विकेट पे आप मार्टिन गप्टिल को सीबीसी बना सकते हो, इसके अलावा हामिद हसन को बना सकते हो, जिनकी टीम पहले बॉलिंग करती है। बाकी यदि कीपिंग करते हैं गोस्वामी तो उनके बारे में सोच सकते हैं ग्रैंड लीग में। बहरहाल टीम में रहने वाला इरफान पठान को भी जीएल में सीबीसी जरूर करिएगा। बाकी जो मेरी फाइनल टीम होगी टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पर अकाउंट में लिंक है, आपने जो जाना है टेलीग्राम से 20,000 से ज्यादा दोस्तों पहले से जुड़े हुए हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें। सारा अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।